प्रदेश में महामहिम राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की किताब आत्मा के स्वर का विमोचन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। पुस्तक विमोचन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये पुस्तक उत्तराखंड के राज्यपाल ने अपने अनुभवों और आत्मा से निकलने वाली आवाज़ के आधार पर लिखी है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं अपनी किताब के बारे में बताते गुरमीत सिंह ने कहा कि बतौर राज्यपाल 2 साल पूरे होने के बाद इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसमें 600 अलग अलग इवेंट के दौरान दिए गए उनके 108 उद्बोधनों का समावेश भी है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जो आत्मा की आवाज निकली और उनके 40 साल का सेना का अनुभव, जो सेना में उन्होंने सेवा करी, पूरे देश के अंदर, देश की सीमाओं पर, विदेशों में भी भारत की सेना के लिए उन्होंने अपनी सेवाएं दी, और उसके बाद पिछले 2 साल से हम आत्मा के स्वर रखा है। 2 साल में तकरीबन 600 से अधिक इवेंट्स को अटेंड करने के पश्चात में वहां पर हर एक उत्तराखंडी से जो बात की है उसका निचोड़ है, और 108 जो उद्बोधन है उनको इस पुस्तक में भिरोया गया है। मुझे ऐसा लगता है जो एक आत्मिक संबंध बना हर एक उत्तराखंडी के साथ में, जो प्रभु ने एक अवसर दिया कि जो मिशन है हमारा, जो एज ए गवर्नर मैंने 5 मिशन बनाए थे और जो प्रभु का आदेश रहा है उसको किस प्रकार मैं हर एक के सामने पहुंचाऊं। और मुझे बहुत खुशी है कि इसके अंदर में जो भी राज्य भवन के अंदर में पहल की है, जो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर में पहल की है, और जो टेक्नोलॉजी की तरफ में कदम बढ़ाए हैं, उनके बारे में बहुत बारीकी से लिखा गया।